please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. महाराष्ट्र के ठाणे में कुछ पुलिस अधिकारियों के साथ दो लड़के चेहरे को काले कपड़े से ढके नजर आए। इन दोनों लड़कों को पुलिस ने चेन स्नैचिंग के आरोप में पकड़ा था और चेहरा छुपाए इन दोनों लड़कों का गुनाह एक सीसीटीवी फुटेज ने बेनकाब कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में दोनों की पहचान होने के बाद उनकी तलाश शुरू हुई। आखिरकार पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और लूटी गई सोने की चेन भी बरामद कर ली। एक आरोपी है 33 साल का, वो मीरा रोड थाने जिला का रहने वाला है और दूसरा आरोपी 24 साल का जो है वो नाला सुपारा पालघर का है। बताया जा रहा है कि 24 मार्च को मालाड पूर्व की एक बिल्डिंग के लिफ्ट में घुस रही बुजुर्ग महिला की चेन छीन ली थी। इन दोनों आरोपियों पर पहले भी चेन स्नैचिंग के कई मामले दर्ज हैं और दोनों कुछ महीनों पहले ही जेल से छूटे हैं। सवाल ये है कि जेल से छूटने वाले अपराधियों पर नजर क्यों नहीं रखी गई? अगर पुलिस ऐसा करती तो अपराधियों के हौसले नहीं बढ़ते और वो फिर से लूटपाट की हिम्मत नहीं करते। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक आदमी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का टूटा हुआ सिर दिखाता नजर आया। आरोप है कि वहां पार्क में लगी अंबेडकर की मूर्ति का ऊपरी हिस्सा रात के अंधेरे में कुछ अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया, जिसकी खबर मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ वहां जुट गई और नई मूर्ति लगाने के साथ ही मूर्ति की सुरक्षा की मांग की। मूर्ति तोड़े जाने की घटना पर एसपी और बीएसपी के नेता भी पहुंचे और धरने पर बैठ गए। फूलपुर से एसपी सांसद नागेंद्र सिंह पटेल ने मूर्ति तोड़े जाने के पीछे बीजेपी नेताओं का हाथ बताया। इस दौरान धरना दे रहे लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को समझाकर मामले को शांत कराया। निश्चित ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से महापुरुषों की, पिछड़े और दलित के जितने भी महापुरुष हैं उनकी मूर्तियों का तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अनवरत चल रहा है। कभी मेरठ में मूर्ति तोड़ी जाती है और आज इलाहाबाद में, त्रिवेणीपुरम में, झूसी में भी चौथी बार बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने का काम किया गया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सांप्रदायिक हिंसा के बाद हालात का जायजा लेने खुद राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी वहां पहुंचे। 26 मार्च को वहां रामनवमी के जुलूस के मौके पर हिंसा भड़क गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। हिंसा में पुलिस अधिकारियों के साथ कई लोग जख्मी हुए। राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने वहाँ इलाके के हालात पर अधिकारियों से बातचीत की।